हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनुराग टैकरा आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रेडमी नोट 7S के कुछ फीचर्स। तो फर्स्ट फीचर है हमारा रेस्ट वेक। इसे इनेबल करने से जब हम अपने मोबाइल को पिक करेंगे तो इसका लॉक स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद इसका सेकंड फीचर है डबल टैप स्क्रीन टू वेक। इसे इनेबल करने से जब हमारा डिस्प्ले ऑन होगा नोटिफिकेशन एंड्रॉयड टैप का या तो MIUI टैप का रख सकते हैं। और अब नेक्स्ट फीचर है हमारा होम स्क्रीन से। होम स्क्रीन में जाके आप अपना होम रेगुलर और ऐप ड्रॉवर का कर सकते हैं, जैसे ये रेगुलर पे है जैसा कि होता है, और जब ऐप ड्रॉवर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये ऐप ड्रॉअर खुल जाएगा, स्वाइप अप करने से इसका पूरा जो ऐप है वो खुल जाएगा।
वो मैं अभी रेगुलर मोड पे रन देता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट फीचर की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा रेगुलर मोड है। हम जो है यहाँ पर दिया हुआ है सेटिंग फीचर आइकॉन साइज। यहाँ पर आप अपने आइकॉन साइज को मेंटेन कर सकते हैं, बड़ा छोटा। अब ये पूरा स्मॉल साइज पे है। इसके बाद फिर एस है, मीडियम है, स्मॉल है, लॉन्ग है, लार्ज है, फिर एक्स्ट्रा लार्ज पे है। इसके बाद 16 फीचर है होम स्क्रीन लेआउट। यहाँ से अपना होम स्क्रीन लेआउट चूज कर सकते हैं। 4x6 पे है या तो 5x6 पे। मैं 5x6 पे रखा हूँ। यहाँ से आप 100 मेमोरी स्टोरेज भी निकल कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हमारा एडिशनल सेटिंग पे जाते हैं। आप बहुत लोग को पूछते हैं कमेंट पे कि हाउ टू इनेबल डेवलपर ऑप्शन। तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो 100 टैब्स यहाँ से ऑन होता है डेवलपर ऑप्शन से इनेबल होता है। तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने के लिए पहले अबाउट फोन पे जाना है। अबाउट फोन पे जाके मीयर वर्जन पे 3-4 बार क्लिक करना है। तो उसमें बताएगा कितने बार क्लिक करना है। इसके बाद उतना क्लिक करने के बाद आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। और जैसा कि आप ये सब कुछ पूरा 3-4 ऑप्शन पाने के लिए आप MIUI 11 पे 2-3 बार क्लिक करते रहें तो इसका इनेबल हो जाएगा। तो मेरे इस वीडियो पे एक मिस्टेक भी है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि वो मिस्टेक क्या है। कुछ भी हो सकता है मिस्टेक, लेकिन इस वीडियो में नहीं है वो मिस्टेक। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आज किंग्सलैंड पंजाब और आरसीबी का मैच है, तो थैंक यू फ्रॉम